अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने घर के लॉन का विजिट करवाने वाली हूँ, जिसको देख के आप लोगों को ये आइडिया हो सकेगा कि किस तरह थोड़ी जगह को मैनेज करके आप ज़्यादा सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी गार्डनिंग का शौक है तो मस्ट वॉच माई वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूर। तो सबसे पहले जो है ये चमबेली का पौधा है, जिसकी जो छोटा पौधा भी रहता है और अगर आप चाहें तो इसको बेल की तरह भी चढ़ा सकते हैं। तो इस टाइम जो है वो हमने इसको पिलर के साथ चढ़ाया हुआ है। और ये नीचे छोटा सा मनी प्लांट का पौधा है जो अभी ग्रो कर रहा है और इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। नेक्स्ट ये मैरीगोल्ड है, येलो कलर के फ्लावर्स हैं इसके। उसके बाद ये एलोवेरा का प्लांट है और मकवो के कुछ पौधे जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। मकवो के बारे में एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। ये एप्पल का ट्री है, ये अभी कुछ दिन पहले ही ला के प्लांट किया है। आई होप कि ये अच्छा ग्रो करेगा। तो ये सेब का दरख्त जो है वो यहाँ पे हमने लगाया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्लैक पेपर का ट्री है, ये काली मिर्च का दरख्त है। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं और काली मिर्चें जो है वो लगती हैं, जो कि अभी नहीं लगी हुई, अभी इसका सीज़न नहीं है। इवन के इसके लीव्स को भी अगर आप क्रश करके स्मेल करें तो उसमें से भी काली मिर्च की स्मेल आती है। इसके बाद ये डेट का दरख्त है, खजूर का। और नेक्स्ट जो है ये बड़ा दरख्त अनार का दरख्त है। इस टाइम इसके ऊपर बहुत सारी फ्लाइज हैं और ये इस टाइम फ्लावर्स से भरा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का, बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लावर होता है। अभी कुछ दिनों में इसके फ्लावर्स के जो हैं वो फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इस पे अनार लग जाएंगे। और ये सीज़न में दो बार जो है फ्लावरिंग करता है और दो बार इसके फ्रूट लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस पर किस कदर फ्लावरिंग हुई हुई है इस टाइम। अप्रैल का मंथ है और इसकी मार्च में इसकी फ्लावरिंग जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल के एंड तक जो है वो इसके फ्रूट लग जाते हैं। ईज़िली ये दरख्त ग्रो कर जाता है घरों में और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्याज का पौधा लगा हुआ है और ये अनियन के फ्लावर्स हैं और यहाँ पे जो है वो अनियन का बीज बनेगा। और नेक्स्ट जो है ये टमाटर का पौधा है, टमाटर के ये येलो कलर के छोटे छोटे इस रंग के फ्लावर्स होते हैं और यहाँ पर टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं जो भी कुछ दिनों तक बिल्कुल रेड हो जाएंगे और पक जाएंगे और रेडी हो जाएंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा अगेव का प्लांट है जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके अलावा ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड दो कलर्स के इस टाइम इस लॉन में मौजूद है, एक येलो है और एक ऑरेंज है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये किन्नुओं का दरख्त है। और किन्नुओं के दरख्त के बिल्कुल साथ जो है कचनार का दरख्त मौजूद है। ये कचनार का दरख्त है और इसके ऊपर आजकल बल्कि फर्स्ट टाइम जो है कचनार लगी है जब से इसको प्लांट किया है। पिछले साल इसको प्लांट किया था और इस साल जब इस पे कचनार लगी है, कचनार की
का फूल जो है वो कल दो फूल थे और वो हमने तोड़ दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस टाइम इतना फ्लावर जो है वो इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो वाइट कलर के इसके फ्लावर्स थे, हार्ट शेप इसके लीव्स होते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है कचनार का पौधा। उसके अलावा ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, अलसी के बीज, अक्सर आपने सुना होगा अलसी के बीज जो है वो हम यूज़ करते हैं, अलसी का तेल होता है। तो ये अलसी का पौधा है जिसके पर्पल कलर के क्यूट छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये रोज़ का पौधा है और ये इतना छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर जो है वो बर्ड्स लग चुकी है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है इसके ऊपर। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, छोटी छोटी बिल्कुल क्यूट सी इसकी बर्ड बनी हुई है, ये देखें। और कुछ दिनों में यहाँ पर जो है वो रोज़ेस ओपन हो जाएंगे और एक ये बर्ड है इसके ऊपर। नेक्स्ट ये सदाबहार का पौधा है, उसके भी फ्लावर्स ओपन हैं क्योंकि मार्च अप्रैल का मंथ चल रहा है तो सारे फ्लावर्स जो हैं वो आजकल खिले हुए हैं। एक ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्नामेंटल प्लांट है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसको आप लोग अपने पॉट्स में भी लगा सकते हैं। इसकी लुक बहुत खूबसूरत है, अपेयरेंस बहुत अच्छी है इसकी, ऑर्नामेंटल के तौर पर जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट जो है वो दोबारा एक बार चमेली का पौधा आ गया है यहाँ पे। उसके बाद ये जी गुआवा का ट्री है, अमरूद का दरख्त है, इसे भी अभी कुछ माह हुए हैं कि यहाँ पे प्लांट किया गया है। इसके अलावा ये नेक्स्ट एक बहुत ही खूबसूरत सा जामुन का दरख्त है जिसके लीव्स जो हैं वो पर्पलिश सा शेड दे रहे हैं और ग्रीन, जब इसके न्यू लीव्स निकलते हैं तो वो पर्पल से होते हैं और जो ओल्डर लीव्स हो जाते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये लुक वाइज ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो ये गावा का और जो जामुन का ट्री है ये अभी कुछ मंथ्स पहले यहाँ पर प्लांट किया गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। अच्छा नेक्स्ट जो है ये लीमू का पौधा है, पहले एक किन्नू का दरख्त आया था और ये जो है वो लीपू का पौधा है। नेक्स्ट ये कनेर का दरख्त है, ये भी फ्लावर ट्री, एक ट्री होता है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। नेक्स्ट ये ग्रेप फ्रूट का दरख्त है और इस टाइम इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेप फ्रूट्स लगे भी हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत छोटा सा ग्रेप फ्रूट जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है और ये एक और ग्रेप फ्रूट जो है वो लगा हुआ है, दो ये भी हैं। तो कितने सारा फ्रूट जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। सिट्रस फैमिली के इस टाइम यहाँ पे तीन दरख्त मौजूद हैं, किन्नू का है, एक लीमू का है, एक ये ग्रेप फ्रूट का है। अच्छा जी नेक्स्ट ये बड़ी सारी बेल है और ये वाइन है, ग्रेप वाइन, अंगूरों की बेल है ये, और ये बेल काफ़ी पुरानी है वैसे यहाँ पे और हर साल जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रूट देती है। अच्छा सिट्रस फैमिली का एक और ट्री भी है यहाँ पे और ये ऑरेंज का दरख्त है, तो ये फोर्थ ट्री है सिट्रस का, ये भी अगेव का प्लांट है। तो जी ये था लॉन हमारा और तकरीबन 12 से ज़्यादा जो है यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ हैं और इसके अलावा स्मॉल प्लांट्स हैं और ऑर्नामेंटल ट्री और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। तो जिसको प्लांटिंग का शौक़ होता है, गार्डनिंग का शौक़ होता है, तो वो थोड़ी जगह पे भी प्लांट्स ग्रो कर लेता है। प्लांट्स जो हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देते, हमेशा आपको बेनिफिट ही देते हैं और आपको, आपसे आगे आने वाली नस्लों को, और साथ साथ जो है वो आपके घर की रौनक भी बढ़ जाती है। तो ज़रूर अपने घर में जो है वो लॉन बनाएं, इंजॉय करें अपना फारिग वक्त लॉन में बैठकर। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।